this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट सो 14 दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए जो हमने आपके लिए लेवल्स सुने थे उनमें से पहला था हमारा मुथूट फाइनेंस जिसमें हमारा बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे और आठ इंडस्ट्रीज में भी हमारे बाई साइड के टारगेट ईजिल अचीव हो गए थे तो देखिए ये जो टारगेट अचीव है इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपको लेवल्स नहीं पता हमने क्या दिए थे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं हमारे क्या लेवल्स थे टेलीग्राम चैनल पर मैंने दो स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे जिनमें से टाटा स्टील में हमारी ट्रेड नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई ये मैं आपको चार्ट में बताऊँगा बाकी टाटा कम्युनिकेशन में इजीली हमारे बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे यानी कि आप कुल मिला के अपने चारों में से कोई भी स्टॉक और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हैं तो आपको उनमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ तो देखिए चारों में से कोई भी स्टॉक चुना होगा देखिए टाटा स्टील तो आप चुन नहीं सकते थे क्योंकि स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था अभी दिखाऊंगा मैं चार्ट पे बाकी आपको इजीली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा तो देखिए ये जो आप हमेशा सुनते हो कि हर दिन मतलब कि एक दिन में आपको ट्रेडर नहीं बनते बट एक दिन ज़रूर बनते हैं तो ये ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि देखिए आपने अगर रेगुलर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके दिमाग में है कि कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा देखिए हर दिन मौका ढूंढने जाएंगे तो आप लॉस ही खा के आएंगे कभी ना कभी ऐसे मौके मिलते हैं जब आपका स्टॉक जो है वो रेगुलरली एक ही तरफ की मूवमेंट दिखाता है और काफ़ी हाई जाता है तो ऐसे टाइप में ही आपको एक दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप अगर आप रेगुलर रहेंगे ट्रेडिंग में तभी आपको ये दिन देखने को मिलेगा एक दिन में आपको मौका मिलेगा ज़रूर अच्छा प्रॉफिट कमाने का और रूल फॉलो करते रहेंगे रेगुलरली कि स्टॉप लॉस लगाएंगे टारगेट पर बाहर आएंगे ज़्यादा वो नहीं करेंगे तो एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होता ही है महीने में दो से तीन बार ऐसा स्टॉक मूवमेंट दिखाते ही हैं तो उन मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए पेशेंस रखना पड़ता है जो बाकी के दिन हैं दो से तीन दिन तो आपको मिलेगा ही दो या तीन दिन महीने में ऐसा आपको स्टॉक मिलेगा कि अच्छा भागेगा लेकिन उससे पहले के जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों में आपको पेशेंस रखना पड़ता है तभी आप जाके आपको जो या तीन दिन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है तो देखिये ये दोनों स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहां पर प्रोवाइड करता हूँ दो कॉल्स मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूँ तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए तो देखिए ये मैंने टाटा स्टील का आपके लिए चार्ट खोल दिया है आज का जो है ये है फोर्टीन तारीख का डेटा अब देखिए काफी लोग जो होते हैं गैप अप ओपन होने के बाद मैं बोलता हूँ छोड़ दीजिए देखिए इसने यहाँ तक मोवमेंट दिखाई यहाँ तक ये ओपन होने के बाद यहां तक ये यह यह गया लगभग लगभग लग 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 आप मान लीजिए एट टू टेन टू एट पॉइंट्स इसने कवर किए इलेवन पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स इसने कवर किए अब काफी लोग होते हैं जब यहाँ पे बाय करना होता है वो यहाँ पे नहीं बाय कर पाते वो बाय करते हैं यहाँ पे जब स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कंटिन्यूस बढ़ता हुआ स्टॉक कभी बाय नहीं करना चाहिए हम लेवल से इसलिए निकालते हैं ताकि आप जो है चार्ट को छोड़ के एक लेवल्स पे काम करें तो देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे बाय करोगे तो देखिए लॉस तो होगा ये डाउन आ गया इतना आ गया जितना बड़ा था उतना डाउन आ गया अब ये स्टॉक जो गैप अप ओपन हुआ था मेन जो मेरी कहने का जो मतलब है वो है स्टॉक गैप अप से ये स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ था हमारी जो बाइंग प्राइस थी लगभग लगभग मान लीजिए जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे थी और शॉर्ट सेलिंग प्राइस सपोज मान लीजिए यहाँ पे थी यानी कि ये जो दो लाइन है इसके आगे पे जो लेवल बन रहा है यानी कि 625 या फिर 626 पे हमारी बाइंग थी सिक्स मैं सपोज कर रहा हूँ एग्जैक्ट लेवल नहीं है सपोर्ट सपोज कर रहा हूँ टाटा स्टील हमें शॉर्ट सेल करना था 618 पे अब ये दोनों बीच का जो गैप है अब देखिए एक ना एक तरफ लेवल तो जाएगा ही ये दोनों तरफ का लेवल देने का मतलब यही है कि अगर स्टॉक या तो बढ़ेगा या तो घटेगा दोनों तरफ तो जाएगा ही अब स्टॉक अगर इन दोनों लाइन से ऊपर ओपन होता है तो हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन ए एम तक टेन ए एम तक आप वेट करेंगे उसके गैप रिफिल होने का ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है तो टेन ए एम तक वेट करा उसके बाद दोबारा से आपने ट्रेड लगा दी वेट इस चीज़ का करना है कि उसके गैप रिफिल होने का ये जो स्टॉक ऊपर बढ़ा है ऐसे ही स्टॉक नीचे आएगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में आएगा और उसके बाद यहाँ पे एक मिनट का होल्ड लेगा जब यहां इन दोनों प्राइस के बीच में एकदम मिडिल में नहीं यहां पे भी ले सकता है एग्जैक्ट इस प्राइस पे भी ले सकता है होल्ड इस प्राइस पे भी ले सकता है शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे भी होल्ड ले सकता है कहीं भी ले सकता है इन दोनों के बीच में तो एग्जैक्ट एक मिनट का होल्ड लेने के बाद आप अपनी ट्रेड कंटिन्यू करेंगे वरना आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे अगर दस बजे के अंदर अंदर ये जो स्टॉक है वो अपना गैप रिफ़िल नहीं करता है दस बजे के अंदर यानी कि आप पाँच दस मिनट आगे पीछे कर सकते हैं आप पीछे तो क्या करेंगे बट आगे कर सकते हैं यानी कि दस बज के दस मिनट तक ये स्टॉक जो है अपना गैप रिफ़िल कर ले तो भी आपको इसके पीछे एक लॉजिक है क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है स्टॉक अपना टारगेट ईजिल अचीव कर लेता है तो वो चीज़ समझाने के बजाय मैं आपको एक परफेक्ट टाइमिंग दे रहा हूँ कि टेन एम के अंदर अंदर आपका गैप रिफ़िल हो जाना चाहिए इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती तो अगली बार ध्यान रखेंगे अगर स्टॉक गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होता है हमारी सोर्सिंग प्राइस से नीचे ओपन होता है तो आपको करना कुछ नहीं, इसी की उल्टी कंडीशन लगती है इसमें जो है गैप रिफिल करने के लिए नीचे आता है इसमें गैप रिफिल करने के लिए ऊपर जाएगा एक मिनट का होल्ड लेगा उसके बाद जब दोबारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करेगा तब तो आप शॉर्ट सेल करेंगे बाय का लेवल अगर बाय ब्रेकआउट करेगा तो आप बाय करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है और एक और बात ध्यान में आप रखेंगे कि गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है गैप डाउन ओपन होने के बाद बाइंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है ये कंडीशन सिर्फ है गैप अप ओपन होने के बाद बाई करने के लिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग करने के लिए एक मिनट का होल्ड लेना बहुत जरूरी है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में तो ये सब तो मैंने आप अभी आपको बताया टाटा था स्टील का भारतीय टाटा कम्युनिकेशन में इजिली हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चलिए बात कर लेते हैं फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी के कॉल्स की, की देखिए अगर आपने यहाँ तक स्किप करके देखा है वीडियो तो हल्का सा पीछे जाके आप देख लीजिए अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन हो तो आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है बाकी पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो है राउट जिसे आप बाय करके चलेंगे वन 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 सेवन पर यानी कि स्टॉक की बाइंग प्राइस रहेगी आपके वन 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 सेवन इलेवन हंड्रेड एंड सेवनटीन स्टॉक लॉस रहेगा इलेवन हंड्रेड एंड सेवन टारगेट रहेगा इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू इलेवन हंड्रेड थर्टी और इलेवन थर्टी एट का ध्यान रखेंगे पहला टारगेट प्राइस हमेशा आपको स्मॉल देखना पड़ेगा मेरी वीडियो में स्मॉल इसलिए अगर स्टॉक इस गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो भी आपका एक ना एक टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो जाए इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ या फिर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका एक टारगेट प्राइस अचीव हो जाए इसलिए मैं पहला जो, जो आपका पहला जो टारगेट प्राइस है उसे मैं स्मॉल देता हूँ ये बात क्लियर हो गई अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सेलिंग प्राइस की शॉर्ट सेलिंग का लेवल है इसका एलेवन का फाइव का प्लस रहेगा एलेवन का टारगेट रहेगा पहला टारगेट प्राइस प्राइज है स्मॉल इलेवन दूसरा रहेगा आपका वन का और तीसरा टारगेट प्राइस रहेगा वन का अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाय आप कब करेंगे बाय आप तब करेंगे जब तो आप इसका लेवल ब्रेकआउट होने पे आप इसे बाय करेंगे लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा 1117.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय करेंगे एक्जेट 1117 पे नहीं बाय करेंगे शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल रहेगा आपका वो लेवल ब्रेकआउट होगा 1104.10 1104.10 सॉरी 1104.90 का 1104.90 जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे एक्जैक्ट 1105 पे नहीं करेंगे यानी कि 1105 से नीचे जाने लगेगी वैल्यू तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे अगला स्टॉक है हमारा एच जी अब ध्यान देंगे अगर स्टॉक आपको बिलो 500 चाहिए आप न्यू ट्रेडर हैं आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल्स हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे बिलो 500 हंड्रेड के कॉल्स या फिर मॉर्निंग में मैं अलग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं सीखना चाहते हैं इंटरडे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेन फोकस हमारा रहता है बिलो फाइव के जो स्टॉक्स रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो क्योंकि आप उनमें देखिए ऐसा तो होगा नहीं आप कम शेयर बाय करेंगे कम शेयर बाय करेंगे तो कम होगा ज़्यादा शेयर आपको बाय करने पड़ेंगे क्योंकि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनका टारगेट भी छोटा होता है ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक्स छोटा होगा तो टारगेट भी छोटा होगा बस आपको शेयर्स ज्यादा बाय करने के लिए मिल जाते हैं तो उसमें आप टू टू थ्री में भी अच्छा कमा लेते हैं। तो 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 ये बात बात ध्यान रखिएगा। का 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 का। का का जो जो हमारा होगा होगा। वो रहेगा 885 का, रहेगा 885 875 का। अब अब मैंने बता दिया लेवल कैसे अब की बात करें तो लॉस कैसे हिट होगा? जब 874.90 यानी कि 875 से नीचे जाने लगी हुई तब तो अपना ऐसा लेट मार्केट रेट से बाहर आएंगे पहला टारगेट रहेगा आपका एट 90 दूसरा रहेगा 898 और तीसरा रहेगा आपका 906 का ध्यान रखेंगे शॉर्ट सेलिंग का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे जो लेवल बन रहा है हमारा वो बन रहा है 874 का स्टॉप लॉस रहेगा 884 का अब इससे ऊपर जब जाने लगेगी वैल्यू यानी कि 884.10 जब हो जाएगा तब आप इसे एस एल हीट वन के ट्रेड से बाहर आएंगे एक बार ट्रेड में घुस जाएंगे तो आप आ, या तो आप टारगेट पर बाहर आएंगे देखिए पहला टारगेट प्राइस पर बाहर आइए अगर आप बिगनियर हैं मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि एक दिन मौका मिलेगा आपको हल्की हल्की करके एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट में एक दिन मौका मिलेगा आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे हर दिन अच्छा प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा और ऑल्टरनेट डेज में ट्रेड कीजिए तो स्टॉप लॉस जब एक्जैक्ट इस पर स्टॉप लॉस नहीं जैसे इससे बढ़ने लगे वाली तब अपना सेलेक्ट मार्केटेड से बाहर आएंगे टारगेट रहेगा आपका 870 का स्टॉप लॉस रहेगा 8 सॉरी टारगेट रहेगा आपका 870 का 862 का और 854 का पहला टारगेट वाइज एज यूजुअल स्मॉल रहेगा बाकी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बिलो फाइव हंड्रेड की कॉल्स के लिए और दो कॉल्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ